हेलो स्टूडेंट, दिसंबर मंथ आ गया है। एवरी मंथ मैं आपके साथ मंथली प्लान, स्टडी प्लान डिस्कस करता हूं और साथ में अपकमिंग टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं वो डिस्कस करता हूं। और अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं, अभी लास्ट का टाइम है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि सिलेबस का कुछ पार्ट बचता है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चालू हो जाती है, मॉक पेपर चालू हो जाते हैं, पेपर में परफॉर्मेंस नहीं आती, तो ऐसे में कई बार लगता है कि क्या 5-6 महीने में हो पाएगा कि नहीं, और कई सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, कई लोग मिसगाइड कर देते हैं। तो हर मंथ में आपके साथ सेशन लेता भी इसलिए हूं कि हर मंथ में हमें क्या क्या करना है और अगले 6 महीने लगभग अब बचे हुए हमारे पास, 6 महीने से थोड़ा कम समय है। देखिए दिसंबर स्टार्ट हुआ है, अगर मैं निमसेट के लिए बात करूं, और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या सिलेबस अब तक हो चुका है, क्या दिसंबर मंथ में होगा, क्या जनवरी के महीने में होगा, वो आइडिया दूंगा। और जो फास्टैग कोर्स आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, आप में से कई लोग फास्टैग कोर्स में आने वाले हैं, उसकी भी डिटेल बताऊंगा और उसमें किस ढंग से सिलेबस होता है 4 मंथ में वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि दिसंबर और जनवरी में हाईएस्ट प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड होता है। एक तो इस समय कई बार बच्चों के सेमिस्टर्स भी होते हैं, आप में से कईयों के हो सकते हैं, आपने हो सकता ड्रॉप लिया हो, जिनने ड्रॉप लिया उनके ऊपर ये प्रेशर आता है कि टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आ रही या कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है। मिड में आते आते ये एक सिचुएशन आती है थोड़े समय के लिए, पर इससे बाहर निकलना है। सबसे पहली बात कि हम अपने आप को कभी भी फाइटिंग स्किल से पीछे ना हटाएं, हम अपनी मेहनत करते रहें, इनपुट देते रहें, आप देखेंगे कि कुछ समय में आपको खुद उसका रिजल्ट दिखेगा। और मैंने पिछले कई सालों में देखा है जनवरी में आया हुआ बच्चा भी परफॉर्म कर सकता है, तो अभी आपके पास, और वो भी वो जो बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने तो अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में पढ़ाई की है, तो अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, कई बच्चों ने मुझे पूछा है, क्योंकि अभी अभी कई बच्चों को पता चला कि एमसीए के लिए निमसेट जैसा एग्जाम भी होता है, क्योंकि इस समय प्लेसमेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं, 30-40 लाख तक के प्लेसमेंट जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का, क्योंकि जब अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट अच्छे हो रहे हैं सारे एनआईटी से, चाहे वो त्रिची की बात करें, चाहे सूरतकल की बात करें, चाहे कैलिकट की बात करें, चाहे इलाहाबाद की बात करें, चाहे मैनेट की बात करें, तो ऐसे में जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कई बच्चों ने लेट डिसाइड किया, तो उनको भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, भले ही 5.5 मंथ्स हैं पर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, यह मत सोचिए कि होगा कि नहीं। आपका सबसे पहला या सबसे ज्यादा या सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर 5 मंथ सफिशियंट है कि नहीं, क्या अभी मैं 5 महीने पढ़ूंगा तो होगा कि नहीं सिलेक्शन। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप 5 मंथ पढ़ेंगे तो या तो होगा या नहीं होगा, पर नहीं पढ़ेंगे तो पक्का है कि नहीं होगा। यानी यह बात तो डेफिनेट है कि अगर आपने इस 5 मंथ में आपने अपने आप को छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। सेकेंड, जो दूसरा कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं आप लोग, वो ये कि सर हम सोच रहे हैं कि ड्रॉप ले लें, अगले साल से ही सीधे पढ़ाई करें। मैं बोलता हूं अगर आपने मन मना लिया ड्रॉप लेने का तो ये 5 महीने अपने आप को झोंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 5 महीने की मेहनत से अगर एक सेवा आपका सिलेक्शन ना भी हो तो भी आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, आप जीरो नहीं होंगे। क्या होता है अक्सर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे जेई के लिए अगर आप 2-3 ईयर प्रिपरेशन करते हैं तो श्योरिटी बहुत ज्यादा है, 2 ईयर करते हैं तो भी ये, पर 1 ईयर करते हैं तो बहुत कम, 50-50 चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 1 ईयर में पूरा 11th-12th का सिलेबस करना होता है, पर अगर आप 9th-10th से करते हैं तो 99% हो जाता है, अगर आप आखिरी तक डटे रहे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। आईआईटी में जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, उनको आपने देखा होगा, इनफैक्ट हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने आईआईटी दिया हो, पर आपने अगर 12th के बाद या 12th के साथ ही पढ़ाई की होगी, इसलिए हो सकता ना हो पाया, तो आप ये अब सेकंड लाइन पे जा रहे हैं। तो जो रियल फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर आपने सोचा है कि ड्रॉप ले ले तो भी 6 महीने पढ़ना है, हो सकता अच्छी रैंक आ जाए, नहीं आएगी तो आपका ये जीरो नहीं होगा। इस 6 महीने की पढ़ाई से ड्रॉप ईयर में आप एक टॉप रैंक के साथ निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि जितना भी समय बचा है इस समय को अगर हम प्रॉपर सिस्टमेटिक यूटिलाइज कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हम लोग एक फास्ट कोर्स करते हैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्स का नाम है कि इसमें हम 4 मंथ्स में 6 जैन से ये स्टार्ट होगा, तो 6 जैन से लेके जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल और मई के लगभग आप मान के चलिए 10th मई के आसपास कंप्लीट होगा। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ 10 मई के आसपास कंप्लीट होता है। इस 4 मंथ्स में पूरा सिलेबस करवाया जाता है, क्लासेस नॉर्मली एवरी डे 2 सेशंस होते हैं, 2-2 आवर के, 2-2 आवर के 2 सेशंस होते हैं और 2 एंड पे सिलेबस को कवर करवाया जाता है। और ऑब्वियसली जो साल भर पढ़ते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ईयरली बैच में सिक्स क्लास में कवर करा है तो यहां पर थ्री क्लास में होगा। तो ये थोड़े बहुत कंप्रोमाइज होते हैं, पर फिर भी ये भी कवर हो जाता है। तो आप में से जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, कई बच्चों ने मुझे बोला है आप में से, तो अगर आप इस कोर्स के लिए आना चाहें तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, इस समय तक सेमिस्टर हो जाता है। और नहीं भी आएंगे तो भी ये कोर्स आपको, क्योंकि अब आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद ही आपकी मॉक टेस्ट सीरीज भी चालू होगी। अभी फुल लेंथ टेस्ट देते हैं आप लोग, इसके बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। तो अब मॉक टेस्ट के साथ ही ये फास्ट ट्रैक कोर्स चलेगा। तो ये 4 मंथ्स यानी 120 डेज के लगभग में, हम इसमें संडे वाले दिन हटा दें तो 100 डेज में हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। और इस बैच से भी रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है। कभी भी याद रखिए, पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होती। जब तक मेहनत कर रहे हो कुछ ना कुछ रिजल्ट आने के चांसेस, जिस दिन मेहनत करना छोड़ दिया रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो आप चाहे ड्रॉप का सोचते हैं, चाहे आपकी अभी कम पढ़ाई हुई, किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बैच के थ्रू भी बच्चे अपना पूरा सिलेबस करते हैं, जो जो टॉपिक छूट जाते हैं वो सब वो यहां पर आके कवर कर लेते हैं। और आप घर पर भी हैं तो इसका भी मैं शेड्यूल, जैसे जनवरी में मैं आपको फास्ट ट्रैक कोर्स और रेगुलर बैच दोनों का बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं रेगुलर बैच का। तो रेगुलर बैच का सिलेबस लगभग हम लोग 31 दिसंबर को पूरा कर देंगे, और पहले हो जाएगा, पर ये लास्ट डेट है। उसके बाद ये बैच फ्री हो जाएगा और इसमें केवल मॉक टेस्ट चलेंगे और उनके पेपर के एनालिसिस। इस टेस्ट पेपर, इस बैच का कंप्लीट होने के बाद भी इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी टॉपिक में वीक हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वो फास्ट ट्रैक में दोबारा क्लास कर लेते हैं, नहीं तो वो अपने टेस्ट पेपर देते हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और उन पेपर्स के बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने अर्ली प्लान किया है, जल्दी प्लान किया है और पहले से पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा मिलेगा। आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि जब मैं बात आपसे करता हूं तो आपने दो दो साल के लिए भी कोर्स लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो बच्चों ने अभी स्टार्ट किया उनके ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर होता है, उनको वो सब सिलेबस 6 महीने में करना है जो आप 2 साल 3 साल में कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा ये सेशन सुन रहे हो और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो मैं बोलूंगा इमीडिएटली एक्शन लें और प्लान करें। अब बात करता हूं सारे बच्चों की, ओल्ड बच्चों की, जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो पुराने, वो सब एक बार पहले रिवाइज कर लें कि क्या क्या टॉपिक हमने क्लास में कवर कर लिए हैं और दिसंबर में मैं क्या क्या कवर करवाने वाला हूं। नंबर वन, हमने एलजेब्रा पूरी कर ली है, जिसमें सेट, बाइनोमियल, हो सकता है का टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, एपीजीपी, एचपी, डिटरमिनेंट, मैट्राइसेस, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एक्सपो, लॉग, फंक्शन लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स हमने लगभग कवर कर लिए हैं, राइट? ये पूरे हो गए। और अगर रीजनिंग की बात करें तो नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोजियम, ये टॉपिक्स हमने कवर करे हुए हैं। लगभग सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। और अब इस दिसंबर मंथ में हम लोग नेक्स्ट मंडे से इनडेफिनेट इंट्रीगल स्टार्ट करेंगे। लगभग 15 डेज का क्लास होगा, क्योंकि इनडेफिनेट बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इनडेफिनेट पे कमांड नहीं आएगा तो आपको डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इनडेफिनेट इंट्रीगल में 15 डेज लगेंगे, उसके बाद डेफिनेट इंट्रीगल होगा 1 वीक का। और डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 2 और 3 क्लास वो भी होंगी। यानी दिसंबर एंड होते होते तक कैलकुलस पूरा हो जाएगा। उसी के पैरेलल यहां पर हम लोग बेसिक ऑफ 2D भी एक एंड पे पढ़ाएंगे। मतलब ये बेसिक होता है इसमें बहुत ही, कि जिससे कि जनवरी में, क्योंकि जनवरी में हम लोग 2D को डिटेल में करेंगे, वेक्टर, 3D और बचे हुए स्टैटिस्टिक्स, मिसलेनियस टॉपिक, यानी ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। साथ में वीक एक, वंस इन अ वीक एक रीजनिंग की 1 या 2 क्लास भी होती रहेंगी। आपको जो FL मिलते हैं उसमें भी आप लोगों को रीजनिंग मिलती है, उसकी प्रैक्टिस करते चलिए। रीजनिंग प्रैक्टिस से आएगी, मैथ्स स्ट्रांग होगा तो रीजनिंग अपने आप आपको बनने लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर बता दूं, एलजेब्रा हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है और कैलकुलस रनिंग है, और कैलकुलस में भी फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये हो चुका है, इनडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब पोर्शन होगा आपका दिसंबर में पूरा, और साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ 2D। और जनवरी में हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोजियम एंड ये पूरा पोर्शन हो चुका। अभी आप लोग जो टेस्ट देते हैं वो देते हैं फुल लेंथ टेस्ट। इसमें अब आप लोगों ने बोला है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया ऑनलाइन में, आप लोगों को मैं बोलूंगा आप परेशान मत होइए। जो जो टॉपिक आपके हो चुके हैं,
आप टेस्ट में उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो टॉपिक के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आपकी पढ़ाई सही चल रही है। इसलिए मैं दिसंबर में क्लासरूम के बच्चों को भी यही बोलता हूं और ऑनलाइन वाले बच्चे आप सबको भी यही बोलूंगा कि अगर टेस्ट में इस मंथ प्रॉब्लम परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उसके लिए परेशान ना हो, बल्कि आप एक ये चीज करें, जो टॉपिक हो चुके हैं वो करिए। अच्छा, अभी आप लोगों के साथ, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ, अब मंडे से डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो होंगे वो भी मिलेंगे, वीकेंड पे सैटरडे को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और संडे को फुल लेंथ टेस्ट, ये दिसंबर में होगा, जनवरी में फिर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। अभी भी पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, निमसेट, जेएनयू, बीएचयू, वीआईटी और जो जो एग्जाम्स आते जाएंगे, अब नोटिफिकेशन आने चालू होंगे वो भी हम आपको टाइमली इन्फॉर्म करेंगे। आप बस एक चीज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए। पढ़ाई करते समय एक चीज याद रखिए, जैसे सपोज कि आप कोई भी एक टॉपिक कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहां पर भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है, वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें टाइम लगता है। जिन प्रॉब्लम में टाइम लगे समझ जाओ वो प्रॉब्लम आपको एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा, जब भी कोई एक्सरसाइज करें, 30 क्वेश्चन है, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे मुझे यहां बताते, हो सकता है आपको भी हो, 30 क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज में 50। आपने जब स्टार्ट किया, मान लो आपको फर्स्ट बना, सेकंड बना, थर्ड नहीं बना, फोर्थ नहीं बना, कोई बात नहीं, फिफ्थ सिक्स पे आ जाओ, रुकना नहीं है। ये बहुत लोग करते हैं मिस्टेक, ऐसा नहीं करना। आप तो पूरे 1 to 50 तक करते जाओ, भले ही उसमें 10 बने, 15 बने, मतलब आप तो लाइन से करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ऐसे जो नहीं बने उनको स्किप करते चलो। ये आदत अगर आपने डेवलप कर ली तो आप समझ लीजिए पेपर में आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, क्योंकि पेपर में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं बनते या जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें छोड़ने की आदत भी डालनी है, छोड़ना भी है, करना भी है। फिर जब एक बार पूरे 30-50 क्वेश्चन कर लिए, फिर देखो आप करो उसको दोबारा, और फिर देखना आप जो नहीं बने उसमें से आधे बन जाएंगे, ऐसा 3 बार करना है। उससे एक फायदा होता है, जो कर चुके वो भी आप दोबारा त्योहारा जब करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ना चालू होती है। यही संडे टेस्ट में, यही सैटरडे टेस्ट में भी करने की कोशिश करिए कि आप पेपर को बार बार सॉल्व करिए। यहां पर सभी बच्चों को मैंने बोला है कि रोज आपको सोने से पहले कोई भी एक पुराना पेपर सॉल्व करना, आपको भी यही काम करना है। जितने पेपर जो दे चुके उनको दोबारा सॉल्व करिए, और जो पेपर पहले 2 घंटे में दिया अगली बार में आधे घंटे में देना, अगली बार में 10 मिनट में देना, जब थर्ड टाइम उसी पेपर को दो 15 मिनट में सॉल्व करना है। स्पीड यहां से आती है, स्पीड उन क्वेश्चन से आएगी जो आप कर चुके हैं, और फिर उस जैसा क्वेश्चन आएगा तो आप उतनी ही स्पीड में कर लेंगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी जरूरत है कि टेस्ट की परफॉर्मेंस ना देखते हुए टॉपिक वाइज की परफॉर्मेंस देखें, जो जो टॉपिक आपके होते जा रहे हैं अच्छे से कवर वो करते चलिए। अब जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो इतने सिलेबस को सुन के ना घबराएं, एक एंड पर वो कैलकुलस पढ़े। मैंने सभी बच्चों को जिनसे मेरी बात होती है मैं उनको क्लियर बोलता हूं, एक एंड पे कैलकुलस पढ़े, एक एंड पे ट्रिग्नोमेट्री करें, पहले ये दो मजबूत करें, ये सबसे बड़े पार्ट हैं। और अगर आपको टाइम मिलता है तो धीरे धीरे, जैसे अब मैंने इंडेफिनिट के 15 दिन रखे, बहुत दिन होते हैं, इस 15 दिन के साथ आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री को मैनेज कर पाएंगे, और धीरे धीरे सेट, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, इनको भी कवर करने की कोशिश करिए, बिल्कुल बिना पैनिक हुए। और अगर आप आने वाले हैं तो यहां पर आप ऑफिस में या मुझसे बात करें, मैसेज करें, यहां पर सारी तरह की फैसिलिटी रहती है। आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कंबल लेके आना है, गद्दे लेके आना है, कुछ नहीं, हॉस्टल में सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। आपको अपनी बुक्स, केवल जिनसे पढ़ रहे हैं वो, और अपने पहनने वाले कपड़े लेके आने, उसके अलावा कुछ नहीं आना। सेम डे हॉस्टल अरेंजमेंट हो जाता है, इसलिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और नहीं आ सकते तो भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं कोर्स से ऑनलाइन से, तो आपको वो क्लास वैसे ही मिल रही, वही शेड्यूल मिल रहा हर महीने जो मैं बता रहा हूं, जो कुछ यहां हो रहा है वो सब, बस एक ही चीज होती है, देखिए ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन और क्लासरूम में, कि ऑनलाइन में आपको खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना अपना। तो सेल्फ डिसिप्लिन करिए, निगेटिव माइंड मत होइए, कोई निगेटिव थॉट मत लाइए, सिलेक्शन होगा कि नहीं इस सब बातों को निकाल दीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी मत सोचिए क्या होगा, आप तो अपनी पढ़ाई करते चलिए, अच्छे से करिए, जो नहीं बनता उसको छोड़ के आगे बढ़ते चलें, फिर सेकंड टाइम करो। मिनिमम 2.5 आवर की सिटिंग हमेशा रखें, मिनिमम 2.5 आवर की सिटिंग हमेशा रखें। 2.5 आवर के बीच में कोई किसी से बात नहीं करें, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं या फ्रेंड के साथ करते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं बने पूछ लिए, फिर 2 नहीं बने फिर पूछ लिए, तो ये बिल्कुल ना करें। कम से कम उसको भी और खुद को भी 2.5 घंटे तक एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, 2.5 घंटे करें, फिर उसको भी पूछें, उससे भी, और वो भी आपसे पूछे, वो बताओ। डिस्कशन से, डाउट बताने से बहुत चीजें डेवलप होती है। जो चीज हम खुद से नहीं समझ पाते वो डाउट बता के ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं, बट
हर 5 मिनट बाद बताओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो हर 2.5 घंटे के बाद आधे घंटे का डिस्कशन कर लो अगर आप ग्रुप वगैरह में कर रहे हैं, बट मिनिमम 2.5 घंटे बिना बात करे बिल्कुल साइलेंट मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके पढ़ाई करें, जिससे कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। कुछ मत सोचिए, अपना फोकस बनाए रखिए, फोकस बनाए रखेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा और उसमें कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।